श्री गुरु वंदन करे श्री हरिवास विबुल ब्रह्म निज नेम गहि कहि सुजस बिहारिन दास गुरु सेवत गोविंद मिलो गुरु गोविंद श्री हरिदास श्री हरिदास को जीवत है मुख चा बिगरी लें समार कह मेरी कुंज विहार और नए सो वर्ष के अपनिन को प्रतिपाल अनंत जन्म की भूल को छिन में डारे खो कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कछ हो मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी तू प्राण जान नदी जो जगत में परशु पद सुखदान जो निग्रे गिरामरी होई भगत ताते तुम शौके तुए चियापुने भूल छुड़ाओ लाडली समझ देओ भरपूर ये बात तिहारी हाथ है मेरी सजीवन मो मेरी लाज लाडली तू ही सबही तिहारे बिहारी दास को अवन आनवती तुम्हारे चरण कमल मम तुम्हारे चरण कमल मम श्री हरिदास नमस्तुभ्यं वृंदारण्य निवास विहारी प्राण वित्ताय नमः प्रेमैकमूर्ते मूर्धना नमः हरिदास पादं वाचा वदामो हरिदास नाम पश्याम द्रवभ्यां हरिदास मूर्तिं साधु न विदभो हरिदास धुन साधु न विदभो हरिदास धुन एरी मेरो Oh,
भव्य गैल बिसुरा कुंज के वृंदावन सुखुमा मेरा वृंदावन सुखुमा मेरा वृंदावन सुखुमा। स्वामी जी महाराज की एरी मेरो वृंदावन सुखधाम। परमोज्वल चिन्मय महामधुर रसार एकमात्र श्री धाम वृंदावन में नित्य विहार के स्वरूप में सहज प्रवाहमान है। प्रियालाल सहश्री एवं श्री वृंदावन ये चारों एक ही स्वरूप हैं। एकमात्र स्वामी जी महाराज ने बड़ी असीम अनुपम कृपा के द्वारा और रसिक जनन को वो तत्व दर्शायो जो कभू प्रकट ही ना भयो। बिहारी दास बिहार को उदय करन हरिदास शाक भक्त को भर सके रसिकन के मन त्रास। भक्तन की कह चलाई रसिक जनन के मन में भी त्रास हो गए है सोच में पड़ जामे हैं रसिकन मुदे कान। रसिक जन हूँ जो है या निपट रस रीति निर्बध रस रीति को श्रवण करके जो है कान बंद कर ले में हैं कि ये स्वामी जी महाराज को जो रस देश है बड़ो विचित्र है बड़ो विचित्र है। लहन चिमटी चिमटा जो नुहे की फांस बड़ी गांस बड़ी महीन है जैसे नहों में फांस लग जाए महीन तो उनको बड़े चिमटी चिमटा से खींचना चाहे वो निकलती नहीं है। उसके लिए बारीक नजर और बहुत छोटी चिमटी चाहिए तब वो निकल पाएगी। ऐसे ही महामिही रस के फल फलित भये कल्पद्रुम ऐसे श्री स्वामी हरिदास जी के पद हैं जामेन बकुल बीज लीला और महात्म के। ये तो बर विहार माधुरी के सार के जो सद हैं दंपति आसक्त ताई प्रगट करत छिन छिन प्रति ये पद नवरस सिंगार आदि कीने सब रद हैं। कैसे मिले महाराज के पीबे गो रसिक सोई जाको न सुहात और। ये तो दंपति को बस करवे के ये मादक बेहद हैं बिहारी बिहारन को बस करवे के ये मादक बद हैं मादक बद। जैसे हिरन है हिरन जो है कहते तो संगीत के बस में या एक अमरकोश के धूमलों मृग मद छोड़ न जात। अमरकोश का एक धुआं होता है उसको छोड़ के मृग नहीं भाग पाता है उसकी सुगंध से वहां आसक्त हो जाता है। उसी प्रकार ये विहारी विहरन खीलमाल जी के पद आचार्यों की वाणी के पद इनको कैसे सुने हैं बड़ी जैसे तल्लीनता के साथ बिहारी बिहार श्रवण कर रहे हैं। ये रस उन्हीं की कृपा से हो सके है वो ही आए कहवे बारे हैं और वो ही सुनवे बारे हैं। जब तुम्हारा सुनने में मन लग रहे हो चाहे सिद्धांत पक्ष है चाहे रस पक्ष है समझो बिहारी बिहारन तुम्हारे हृदय में बैठे हैं तभी तुम सुन पा रहे हो। बोलो स्वामी जी महाराज की ये रस ये देश ये आवेश ये भेष सब आवेशन में आवेश श्यामा श्याम आवेश बिहारदास शेरदास की कृपा हो लवलेश। ये आवेश इस देश का आवेश
कृपा संभव है, कृपा से ही मिलता है। बड़े सौभाग्यशाली हैं वो प्रेमी रसिकजन जो स्वामी जी के श्री चरणों में येन केन प्रकारेण उनकी कृपा से और समर्पित हो पाए हैं। बहुत सौभाग्य, इनके सौभाग्य की गणना भला कौन कर सकता है। सही लीन को अनुराग भाग्य कवि कौन गनेरी। प्रेमी रसिक जनों, और प्रसंग में आचार्य प्रवर श्री विहारेन्द्र जी महाराज द्वारा कथित श्री स्वामी जी महाराज की नामावली वाको भाव श्रवण कर रहे हैं। पूर्व प्रसंग में श्रवण किया, श्री हरिदास नाम लिए जाए दुख दोष मुझे। स्वामी जी महाराज को परम पावन नाम, परम उज्ज्वल नाम जो निर्वध तत्व को प्राप्त करावे वारो है, वह नाम को सहज जाप करेंगे अनन्य भाव सो तो जाहे दुख दोष मुचे, समस्त दुख और दोषन को मोचन निश्चित रूपते हो जाए। वो यानी मुचे यानी नष्ट हो जाएंगे सभी, सभी जो है दुख दोष नष्ट हो गए। श्री हरिदास कर्म श्री हरिदास धर्म श्री हरिदास नाम निधि बेधि ले मन मर्मे। स्वामी जी महाराज के संबंधित ही जो क्रिया है वो ही हमारे कर्म है, वो ही हमारा धर्म है। यानी स्वामी जी से संबंधित ही वही कर्म धर्म, अन्य हमारे कर्म धर्म कोई नहीं है। कर्म करे भवतरन को उल्टे परे भव माहे, पैणे व्यास अनन्य के जूपे जानो नाहे। अनन्य भाव की रीति नहीं समझी है जिन्होंने, नाना प्रकार के स्वामी जी के चरणों में अनन्य रीति नहीं भई है। नाना प्रकार के सकाम कर्म क्षुद्र देवताओं का आश्रय लेते हुए जो करते हैं, महाराज श्री आचार्य वृंदावनी आचार्य महानुभाव कहते हैं, कर्म की भवतरण को हरिराम व्यास जी महाराज कहते हैं, उल्टे परे भव मा है। वो कर्म तो तुम समझ रहे, हमने भवसागर से पार करने के लिए नाना प्रकार के कर्म किए हैं, लेकिन तुम भवसागर में और गिरने के लिए किए हैं तुमने। पैणे व्यास अनन्य के, अगर स्वामी जी के चरणों में, इष्ट के चरणों में अनन्य भाव नहीं है तो वो कर्म सुखदायी फलदायक नहीं होंगे। और सुखदायी क्या, वो फल भी कोई मिलेगा तो अल्प समय के लिए मिलेगा। खीणे पुण्य मृतलोकम विशन्ति, ये रसिकों की कथा है, ये शुद्ध भक्तों की बात है। इसलिए बहुत समझना है, अपने आप को संतोष में लाना है। एक साध है सब सद है, सब साध है सब जाए, जो जल सींचे मूल को तो फूले फले अगाए। मूल में पानी देने से पूरा पेड़ अपने आप हरा भरा हो जाता है। कहने का मतलब, इष्ट के श्री चरणों में अनन्य भाव करने से, स्वामी जी के चरणों में अनन्य भाव करने से, यहां से लेके वहां तक की सारी जिम्मेदारी स्वामी जी ही ले लेते हैं, बिहारी जी ही ले लेते हैं। अगर पत्ता पत्ता पे पानी छिड़क के पेड़ को सुरक्षित रखना चाहते हैं, सुख से किसी सुख से सुखी होना चाहते हैं, तो तुम्हारा भ्रम है। केवल स्वामी जी के चरणों में आश्रय बना लीजिए। और कोई नाना प्रकार की आपत्ति विपत्ति कोई आती है, उसको भ्रम मानिए, घबराइए मत, दृढ़ रहिए, संकल्पित रहिए स्वामी जी के श्री चरणों में। एक दिन तन और मन सब तरीके से निर्मल हो जाओगे, आनंद की बाढ़ छा जाएगी। आनंद ही आनंद, जो सांचो सन्मुख भयो को दीनो नित्य व्या।
तो श्री हरिदास कर्म है, श्री हरिदास धर्म है, स्वामी जी महाराज से ही संबंधित सेवाएं हमारे कर्म धर्म हैं। सर्वधर्मान प्रतिज्ञ मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुच। गीता जी भगवान कह रहे हैं अर्जुन सभी कर्मन को और सभी धर्मन को छोड़ दे। लोग वाग जो है सामान्य जीवी सामान्य उपासक इस बात को सोच के हैरान रह जाएंगे। सभी कहते हैं कि धर्म और कर्म करो, लेकिन भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान प्रतिज्ञो सभी धर्मन को छोड़ दे। कौन से धर्मों को छोड़ने के लिए कहा है और कौन से धर्म को पकड़ने के लिए कहा है, यही तो समझना है। सामान्य धर्मों को छोड़ना ही मूल धर्म है, तभी मूल धर्म हाथ में आता है। सामान्य धर्मों के पचड़े में रहे तो मूल धर्म निपट रस नित्य रस कभी हाथ पर ले नहीं पड़ता है। श्री हरिदास नाम बेधिले मन मर में, जो स्वामी जी महाराज का नाम है, जी निधि है, साक्षात खजाना है, प्रेम का सुख का रस का सागर है। बेधले मन मर में, मन का भी मर, मन का भी मन, मनसा मनसा में विराजमान कर लो, मन के भी मन में विराजमान कर लो स्वामी जी महाराज के नाम को, वेद के वेदन करके और उसमें चुपचाप रख लो, हृदय में विराजमान कर लो। वेधले मन मर में, मन की उमर को रहस्य को समझ के श्री हरिदास नाम को समझना, इसकी महिमा को समझना बड़ा दुर्लभ है। तो श्री हरिदास नाम वेधिले मन मर में, महाराज श्री कहे हैं जो मन के भीतर मर्म में या स्वामी जी महाराज के नाम को वेद लो तो तुम शाश्वत सुख से सुखी हो जाओगे। श्री हरिदास ज्ञान है, श्री हरिदास ध्यान है। एक होता है मन और एक होती है मनसा, जो बड़ा सूक्ष्म मन है। एक होता ऊपर का मन हो, एक होता अंदर का मन। अंदर के मन में बैठा लो स्वामी जी की महिमा को, ऊपर ऊपर से काम नहीं चलेगा। बोलो स्वामी जी महाराज की जय। श्री हरिदास ज्ञान है, श्री हरिदास ध्यान है। हमारा मूल ज्ञान स्वामी जी के श्री चरणों में आश्रय श्री हरिदास नाम जाप ही है। श्री हरिदास नाम जाप नहीं किया और बहुत ही ज्ञान किए कोई लाभ नहीं है भैया। श्री हरिदास नाम ही सबसे बड़ा ज्ञान है और श्री हरिदास ध्यान है और स्वामी जी महाराज का ध्यान ही सबसे बड़ो ध्यान है। ध्यान चिंतन करते हैं, प्रेमी रसिक जनों को बताते रहते हैं, भैया श्री हरिदास नाम जाप करते हुए स्वामी जी महाराज लता के नीचे निधवन राजीव में बैठे हैं, ऐसो भाव स्थिर करके अपने हृदय पे स्वामी जी महाराज हृदय मंडल में विराजमान करके हृदय रूपी लता के नीचे सेज पे और उनके श्री चरणों का चिंतन करो, स्वामी जी के चरणों का चिंतन। श्री हरिदास चरण चिंतन बिन और कहा कलयुग में हित। जब ये चिंतन पुष्ट हो जाए, स्वामी जी के चरणों में मन लगने लगे बराबर, कभी उनकी रूप माधुरी को दर्शन करते रहा, सर्व इंद्रियों को स्वामी जी के चरणों में लगाओ, सुजत श्री हरदास को श्रवण भर सर्वदा, रसन श्री हरदास गुण नाम भाखू, नासिका सहज श्री हरदास सौरभस्तन, मनस श्री हरदास निस्दोष आंखों, जय श्री वर बिहारदास श्री हरदास विपुल बल, शकल खल लोक विद विषम नाखों, धन्य सोई शीश श्री हरदास चरण बंदन करे, नैन श्री हरदास के रूप राखू। या पद के भाव से या छप्पे के भाव से करते हुए स्वामी जी के श्री चरणों में सर्व इंद्रियों को समर्पित करो। जब ये मन टिक जाए स्वामी जी के चरणों में, फिर भाव से स्वामी जी की गोद में
प्रिया प्रीतम को निहारो। बोलो स्वामी जी महाराज की। प्रिया प्रीतम ऊंची नित्य विहार की श्रीहरिदासी हार, लगी समाध विहार की छूटे नहीं दिन रैन, और गौर श्याम बिलसे सदा श्री हरिदासी एन। ये ध्यान करना है तुमको। तो श्री हरिदास ज्ञान है, स्वामी जी के चरणों में मन लगना, श्री हरिदास नाम जाप में मन लगना, स्वामी जी के संबंध में समझना, यही मूल ज्ञान है। और श्री हरिदास ध्यान है, और स्वामी जी महाराज का ध्यान करना जो अभी बताया है, यही मूल ध्यान है। धीरे 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 इतना ही प्रारंभ करोगे तो ये ज्ञान और ध्यान बहुत विस्तार पकड़ जाएगा। लेकिन अपने मन को और तन को किसी भी प्रलोभन के कारण कहीं भटकाना नहीं है। स्वामी जी से स्वामी जी, बिहारी जी से बिहारी जी, और नशो आंख मूंद इन्हें निहारी जी। स्वामी जी महाराज की। श्री हरिदास नाम करे कोट असनान। स्वामी जी महाराज का जैसे लोग स्नान करने के बाद अपने आप को पवित्र करने के बाद फिर नाम जाप करते हैं, कोई भी साधन करते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं, परमार्थिक क्रिया, ऐसा नेम साधते हैं, ठीक है। महाराज श्री यहाँ बोले श्री हरिदास नाम कर कोटि स्नान है। स्वामी जी महाराज का नाम जाप करना ही करोड़ों स्नान के बराबर है। बोलो स्वामी जी महाराज की। करोड़ों कोट माने करोड़ों, करोड़ों स्नान के बराबर श्री हरिदास नाम। कहने का तात्पर्य यूं नहीं है कि तुम स्नान मत करो समय से, स्नान बराबर करो, लेकिन किसी कारण से शरीर अस्वस्थ है या कोई बात है, बोले कि अरे अब भजन कैसे करें, हम तो नहाए ही ना है, कि फलानों काम ही ना करो, कैसे भजन करें। भैया भजन करो, चाहे नहाए या ना नहाए, लेकिन भजन करना जरूरी है, और क्रिया करना उतना जरूरी नहीं है जितना भजन करना, नाम जाप करना जरूरी है। बात यह है, तो स्नान करो। स्नान करने से आलस दूर होता है, वाह शुद्धि रज से अपने करो, स्नान करो, और इसके बाद नाम जाप करो। नाम जाप तो स्नान करते करते किसी, कल बताया ना, किसी भी स्थिति में नाम को तो विराम देना ही नहीं है, क्योंकि करोड़ों स्नान के बराबर एक बार श्री हरिदास नाम है ये। हाँ, श्री स्वामी ललित केशवदेव जी महाराज वचन का सिद्धांत में कहते हैं कि ये शरीर धोए पवित्र होत नहीं, भीतर भिष्टा भरी है, या शरीर को ऊपर ते धोयो तो का भयो। ललित केशवदेव महाराज के वचन है ये। वस्तु विषय में सदा मन दिए राखे तो सदा शुद्ध है। बोलो बिहारी जी महाराज की। स्वामी जी महाराज के श्री चरणन में मन को दिए राखे सदा शुद्ध हैं। स्नान से बाह्य शुद्धि जरूरी है, स्नान ध्यान ये सब करना, लेकिन केवल स्नान का ही आश्रय समझे ये नहीं, आश्रय तो नाम का है, आश्रय बिहारी बिहारन के स्वामी जी के चरणों के चिंतन का है। स्वामी जी महाराज तो श्री हरिदास नाम करे कोटि स्नान। श्री हरिदास नाम मेरे मंत्र माला, श्री हरिदास नाम मेरे मंत्र माला, श्री हरिदास नाम मुद्रा तिलक भाला। तो ये प्रसंग आगे का आगे बताएंगे। तो श्री हरिदास नाम कर कोट स्नान है। स्वामी जी महाराज की। श्री हरिदास।
आनंद की जय 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 श्री हरिदास की।